ईद उल अज़हा के दूसरे रोज भी सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। मटन और बीफ से बने लजीज खानों से तवाजो होगी। हर घर में सजेगी महफिल, रिश्तेदार दोस्त अहबाब सब मिलकर बैठेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं बीफ पुलाव। दावतों और मेल मुलाकातों का सिलसिला भी आज जारी रहेगा। बच्चों ने भी मौज मस्ती का प्रोग्राम बना लिया। ईद का पहला दिन रहा कुर्बानी और गोश्त की तकसीम के नाम। आज ग्रैंड दावतों के प्लान, बीफ कोरमा मटन रोश, हंटर बीफ मटन सब्जी की महक गली गली उठेगी। चपली कबाब, गोला कबाब, कलमी कबाब, रेशमी कबाब, शामी कबाब भी भूख जगाएंगे। रात को बारबेक्यू पार्टीज होंगी। मसालेदार टिक्का बोटी से अजीजों और दोस्त अहबाब के साथ लुत्फ उठाएंगे। पेशावर के बासियों ने नमक मंडी जाने का प्लान बनाया। कराची की फूड स्ट्रीट में गोला गंडा की और गुजरावाला में आइसक्रीम पॉलर्स की रौनक दुबाला। ईद पर बच्चा पार्टी के डबल मजे, मनपसंद खानों के बाद सैर सपाटे। बच्चे आज भी पार्क्स का रुख करेंगे। कराची के साहिल पर ऊंट और घोड़े की सवारी होगी। कोयटा में भी मेलों का रुख करेंगे। तांगे पर भी खूब सवारी होगी। इस्लामाबाद में ईद के आम में लेक व्यू पार्क को फैमिली पार्क करार दे दिया गया। आज भी फैमिली पार्क का रुख करेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का तबादला। सियासी सूरतेहाल पर मुशावरत, दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म की बिलावल भुट्टो को भी फोन पर ईद की मुबारकबाद। ईद के बाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। वज़ीर-ए-आज़म का गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से टेलीफोनिक राबिता। वज़ीर-ए-आज़म का एमकेएम के चेयरमैन खालिद मकबूल सिद्दीकी को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, एमकेएम के कारकुनों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ईद के बाद हुकूमती मामलात पर मुशावरत के लिए मुलाकात पर इत्तफाक। चारों सूबों के गवर्नर, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को फोन। सदर आजाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी और वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक को भी फोन किया। कौमी इत्तेहाद विगन्स के नाम का इरादा। वज़ीर आज़म की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल सैयद मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और पाक फिजाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को टेलीफोन। कहा, मुझ समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशावराना क्यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशत गर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। लाहौर में सफाई सुथराई और अलाशों को ठिकाने लगाने पर वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के अफसरान और तमाम टीमों को शाबाशी। कहा, शदीद गर्मी में सफाई सुथराई और अलाशों को फौरी ठिकाने लगाने पर कंपनी और इसके तमाम अमले का जज्बा काबिल तारीफ है। सूबे के दीगर शहरों, तहसीलों, यूनियन काउंसिलों में इंतजामिया और मुंतखब नुमाइंदों की खिदमत के जज्बे को सराहते हैं। सफाई सुथराई और शहरियों की सहूलियात के लिए हुकूमती मशीनरी की निगरानी खुद कर रही हूँ। जहाँ शिकायत मिली फौरी कार्रवाई होगी। कोई गफलत और कोताही बर्दाश्त नहीं। अच्छा काम करने वालों को शाबाशी मिलेगी। फर्ज पूरा न करने वाले सजा के लिए तैयार हूँ। के मौके पर सियाची में तैनात पाक फौज के जवानों को सलाम। ईद हो या कोई भी त्यौहार, वतन की हिफाजत से बढ़ के कुछ नहीं। लेफ्टिनेंट मोहम्मद नुमान का कहना है कि ईद के दिन भी हमारी जिम्मेदारियां जारी रहती हैं। आम दिनों की तरह मुल्क की हिफाजत को अवलीन तरजीह देते हैं। ईद के दिन हम बॉर्डर की निगरानी मजीद कड़ी कर देते हैं। हमारे कुछ नौजवान बॉर्डर की हिफाजत करते हैं जबकि बाकी ईद की तैयारियाँ करते हैं। हमारी वर्दी हमारा कफन होती है और ईद के दिन हमारा लिबास भी। शुक्र अदा करता हूं कि आज भी मुल्क की हिफाजत का फरीजा सर अंजाम दे रहा हूं। ईद के दूसरे दिन मौसम सुहाना। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर, जेहलम, चकवाल, दीर और मरी में बादल बरस पड़े। गर्मी की शिद्दत में कमी। मुख्तलिफ इलाकों में आज बारिश की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक 24 घंटे के दौरान लाहौर, इस्लामाबाद, बलाई पंजाब और कश्मीर में बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूब वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा।
सिंध के साहली इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। कराची और मजाफात में मतला जुजी अबरालू। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से आउट होने के बाद अमेरिका से वतन वापस रवाना। खिलाड़ी 19 जून को पाकिस्तान पहुंचेंगे। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, आजम खान, इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर टीम के हमराह सफर नहीं कर रहे।